किडनी कांड में आरोपी दिल्ली के पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर दीपक शुक्ला को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच कर रही टीम को डॉक्टर दीपक शुक्ला के खिलाफ मानव अंगों के अवैध कारोबार को संरक्षण देने के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। एसपी क्राइम राजेश यादव ने बताया कि जांच में 4 डोनरों के दस्तावेज मिले थे और सत्यापन में इन सभी के दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिन पर डॉक्टर दीपक शुक्ला के हस्ताक्षर थे। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दीपक शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शुक्ला पीएसआरआई हॉस्पिटल, जो प्रमुख रूप से अंग प्रत्यारोपण का काम करता है, एक इस मामले में जाना माना हॉस्पिटल है, उसके सीईओ हैं और वहां पे 2001 से अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत किया गया था हॉस्पिटल को। विगत कुछ वर्षों से हॉस्पिटल में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़ गई थी। इसी में सीईओ साहब जो हैं हॉस्पिटल के, डॉक्टर शुक्ला जी, ये इनका पूरा उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था। सब चीज़ों को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से और नियम का पालन करते हुए अनुपालन कराना इनका दायित्व था। इनकी लैब, इनके कोऑर्डिनेटर, इनकी कोऑर्डिनेटर फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से और लैब के सहयोग से ब्लड सैंपल चेंज करा करके और नज़दीकी संबंध स्थापित करा करके और इसमें अंग ट्रांसप्लांटेशन में मदद कराई जाती थी। डॉक्टर शुक्ला जो अथराइजेशन कमेटी है, प्रत्येक कमेटी के चेयरमैन होते थे और चेयरमैन के नाते ये हर फाइल पे इनके द्वारा प्राधिकृत कराए जाने में सहयोग की भूमिका प्रदान की गई है। क्या पता चला आपको, क्या धांधली हुई है इसमें? जो डोनर है, डोनर फेक होता है, डोनर जिस नाम से अपना अंग प्रत्यारोपित कराता है, अंग डोनेट करता है, जो रिश्ता दर्शा के वो नहीं होता है, ये अनएथिकल रूप से ट्रांजेक्शन कराया जाता है, इलीगल रूप से, और इसके एवज में पैसे का ट्रांजेक्शन किया जाता है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है। ये इसका फ्लॉ है, लीगली इलीगल है, ये लीगली वैलिड नहीं है, दिस इज इलीगल एंड अनएथिकल। गौरतलब है कि कानपुर की पुलिस ने 17 फरवरी को मानव अंगों के अवैध कारोबार करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था और पुलिस अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।